तो मुझे लगता कि भक्ति के साथ शुरुआत हो रही है गजल और वेद प्रकाश जी और तमाम सारे ही टैलेंटेड लोग हैं, गुणी लोग हैं, इनको इनके इनके लिए बात करने के लिए भी गुण चाहिए हमारे पास, तो मैं तो ज्ञानी हूँ इस मामले में। हाँ ये है कि गाना सुनने का शौकीन हूँ, गानों का भक्त हूँ, तो ये गजल मुझे बहुत अच्छी लगी है। मुझे लगता है तो मुझे लगता है कि जो सर है वो एक लाइन गाएंगे, फिर मैं कोशिश करूंगा कॉपी करने की। और कोयल जी एक लाइन गाई, हो सकता है अनूप जी को याद करके कुछ उनकी नकल करने की कोशिश करो, क्योंकि वो भजन सम्राट है, हम तो भोजन सम्राट है खाने के लिए। जी प्लीज कोयल जी एक लाइन में गाता हूँ, एक लाइन आप गाइए। बेहिजाब आपके आने की जरूरत क्या है, बेहिजाब आपके आने की जरूरत क्या थी। देखिए ये होती गजल की ताकत, शब्दों की ताकत। इसमें भी कहा कि बिना कपड़ों के आने की जरूरत क्या थी। लेकिन अगर खुले भाषा में कहने के तो बवाल हो जाता है, लेकिन दबे शब्दों में बेहिजाब आने की जरूरत क्या थी, आपकी आने की जरूरत, मतलब पर्दा करके आने की क्या जरूरत थी, बिना पर्दा भी आ सकते थे, है ना, बेहिजाब मतलब बेझिझक आ सकते थे। तो मैं तो बस अब इनके बाद क्या सोचते हो जाए, बेहिजाब आपके आने की जरूरत क्या थी, इतने तूफान उठाने की जरूरत क्या थी। इतने तूफान उठाने की जरूरत क्या थी, बेहिजाब आपके आने की जरूरत क्या थी। अगली लाइन मैं नहीं गाऊंगा, मैं ये कहूंगा कि बहुत ही मीठी और बहुत ही अच्छी आवाज है, मैं तो समझता हूँ कि इसको सुनने की जरूरत है बस। गाने की जरूरत क्या थी, हम लोगों को जो गाने की जरूरत है, हमको सुनने की जरूरत है, जितना ज्यादा इसे सुनेंगे उतना अच्छा होगा टी सीरीज का, उतना अच्छा होगा हम लोगों के लिए। और मैं समझता हूँ कि ये गजल वाकई डिजर्व करती है कि ये कोने कोने में जाए, हर कोने में इसे सुना जाए। और यस दोबारा फिर जैसे मैंने कहा, गजलों की दुनिया वापस आए और हमारा वैकुंठ जो था वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। यही शुभकामना देता हूँ आप सब जीव हजारों साल, रहो हमेशा खुशहाल, म्यूजिक में करते रहो कमाल और धमाल, यही पहले से दुआ दे रहा है आपका कॉमेडी का लाल सुनील पाल, लव यू ऑल।